हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। अगर आपको टीएमजे की प्रॉब्लम है यानी जबड़े से कटकट की आवाज़ आती है यहाँ से, तो उसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ इसकी एक एक्सरसाइज भी है। अगर आप वो करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके कुछ और भी कारण होते हैं, वीकनेस भी हो सकती है, ग्रोथ भी हो सकती है कि आप ग्रोइंग एज में हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेसफुल लाइफ। अगर आपको स्ट्रेस है, ज़्यादा तनाव है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसको भी आपको मैनेज करना है और नियरेस्ट जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलना है। हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं कि इसमें जो जॉ का मूवमेंट होता है, आपको उसे अपोज करना है, यानी दूसरी तरफ धकेलना है, जैसे कि आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी स्ट्रांग बने। अब उसमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, उसमें ये मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जबड़ा है, तो अगर हम नेचुरली इसको इस तरफ करेंगे लेकिन हाथ से इस तरफ धकेलेंगे, तो मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो हम इसको ऐसे धकेलेंगे लेकिन रखेंगे सीधी ही पोजीशन में, हम तो इसको हम इस तरह से धकेलने की कोशिश करेंगे ऐसे, और प्रेशर देने के बाद कुछ देर के लिए हम इसको रोक के रखेंगे। जब हम एक इस तरीके से कर लेंगे, उसके बाद दूसरे हाथ से हम जबड़े को इस तरफ लेके जाएंगे, और इस तरफ हाथ से हम इसको इस साइड धकेलेंगे, ठीक है। तो हम जब इस तरफ इसको धकेलेंगे लेकिन हम जॉ को सीधा ही रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको यहाँ तक, तो ये हमारी दो एक्सरसाइज हो गई। साथ ही साथ अब हमारा नेक्स्ट होगा कि हम मुंह को खोलने की कोशिश करेंगे और हाथ से उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, यानी नीचे से हम नीचे से हाथ ऐसे लगाएंगे और इससे हम खोलने की कोशिश करेंगे, यानी हम इस तरीके से, यानी थोड़ी को हम नीचे ले जा रहे हैं, इस तरीके से मुंह खोल रहे हैं और इसको बंद भी कर रहे हैं। तो ये बंद करेंगे और खोलेंगे तो उसमें हमें जोर लगाना है, और इससे हमारे यहाँ पर जॉइंट पर जो जोर पड़ेगा उसको इस तरीके से करना है कि किसी तरीके की समस्या ना हो, स्ट्रांगनेस यानी मसल्स में स्ट्रांगनेस है। तो इसी का जो दूसरा तरीका है वो भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को आप इस तरह से लेंगे और इस जबड़े को खोलने की कोशिश करेंगे और इसी से इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से खोलने की कोशिश करेंगे और हाथ से धकेलेंगे ऊपर की साइड, जिससे कि आपके जॉइंट्स पर थोड़ा सा जोर पड़े। और नेक्स्ट है कि जो हमारे जॉइंट्स यहाँ पर रहते हैं, इनकी आपको ऑयल से मसाज करनी है। कोई भी घरेलू ऑयल, चाहे जो बेस्ट ऑयल, नेचुरल ऑयल हो, उससे आपको हल्के हल्के यहाँ पर इस तरह से इस जॉइंट पर मसाज करनी है। तो कोई भी एक्सरसाइज हो, उससे मसल्स स्ट्रांग बनती हैं। खाने में बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्ट्रांग चीज़ें नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।